नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पंजाब केसरी डॉट कॉम में और मैं हूं आपके साथ प्रज्वल। डायबिटीज एक क्रोनिक बीमारी है जिसके चलते शरीर में ब्लड शुगर लेवल काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। डायबिटीज को जड़ से खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे कंट्रोल में जरूर रखा जा सकता है। गर्मियों की तुलना में सर्दियों में ज्यादा तापमान आपके शरीर की इंसुलिन बनाने और उपयोग करने की क्षमता दोनों पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। सर्दियों में बहुत से डायबिटीज के मरीजों का शुगर लेवल बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठंड के मौसम में आपकी फिजिकल एक्टिविटीज काफी कम होती हैं और आप ज्यादा कैलोरी वाली चीजों का सेवन करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि मौसम बदलने पर डायबिटीज के मरीज अपना खास ख्याल रखें। अगर आपके घर में कोई डायबिटीज का मरीज है तो सर्दियों के मौसम में उनका खास ख्याल रखना काफी जरूरी होता है। आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं जिससे सर्दियों में आपका ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। आइए जानते हैं इनके बारे में। सर्दी के मौसम में लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ने लगते हैं, जिसके कारण स्ट्रेस बढ़ने लगता है और स्ट्रेस के बढ़ने पर ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है। सर्दियों के मौसम में जरूरी है कि आप अपनी डाइट का खास ख्याल रखें और समय पर दवाइयां खाएं। इसके साथ ही बैक्टीरिया से बचने के लिए हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। भारतीय खाने में मेथी का इस्तेमाल काफी ज्यादा मात्रा में होता है। सेहत के लिए भी मेथी काफी फायदेमंद साबित होती है। मेथी में कई ऐसे पोषक तत्व शामिल होते हैं जो डायबिटीज के मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। डायबिटीज के मरीजों को रोजाना सुबह खाली पेट 2 चम्मच मेथी के दानों को भिगोकर इसका सेवन करना चाहिए। इसके अलावा आप इसका पाउडर बनाकर दूध या पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। मौसम बदलने पर आपके ब्लड ग्लूकोज के लेवल में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। ऐसे में जरूरी है कि आप समय समय पर अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करवाते रहें और डॉक्टर से संपर्क में रहें। स्ट्रेस से संबंधित हॉर्मोन्स जैसे कोर्टिसोल, ग्रोथ हॉर्मोन और एड्रेनालाइन को कम करने से ब्लड शुगर लेवल कम हो सकता है। स्ट्रेस को कम करने के लिए जरूरी है कि आप ऐसी चीजें करें जिन्हें करने में आपको सुकून मिलता है, जैसे कि आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। आंवला में कई तरह के पोषक तत्व शामिल होते हैं। आंवला ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए जाना जाता है और इसमें विटामिन सी की भी उच्च मात्रा होती है। रोज सुबह 2 बड़े चम्मच आंवले के पेस्ट को पानी में मिलाकर पिएं। इससे सर्दियों में आपका ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। सर्दियों के मौसम में डायबिटीज के मरीजों में ब्लड शुगर लेवल में गड़बड़ी के चलते हर समय हाथ ठंडे रहने की समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि आप दस्ताने पहने और अपने हाथों को गर्म रखें। हाथ गर्म होने पर ब्लड का फ्लो सही तरीके से होता है। इसके अलावा अपने ब्लड शुगर लेवल को चेक करने से पहले अपने हाथों को गर्म जरूर कर लें। सर्दियों के मौसम में स्किन का ड्राई होना काफी आम होता है। साथ ही बहुत से लोगों को इस दौरान फटी एड़ियों की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर ये सब कुछ डायबिटीज के मरीजों के साथ हो रहा है तो इसके चलते आपके पैर में घाव और इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप सर्दियों के मौसम में अपने पैरों का खास ख्याल रखें। इस दौरान मोजे और चप्पल पहने, पैरों पर मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें और अधिक से अधिक मात्रा में पानी का सेवन करें। अगर आपको कोई चोट लगती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। विटामिन डी का एक सबसे अच्छा सोर्स धूप होती है। कुछ स्टडीज के मुताबिक इंसुलिन के उत्पादन के लिए विटामिन डी काफी जरूरी होता है। हर दिन कम से कम 30 मिनट धूप में बैठना डायबिटीज के मरीजों समेत सभी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा आप चीज, योगर्ट और संतरे का जूस भी पी सकते हैं। इनमें भी विटामिन डी काफी ज्यादा मात्रा में होता है। तो ये थे कुछ खास टिप्स जिससे आप ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम ऐसी ही अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com।